गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का, और इस श्रेणी में आज हम बात करने जा रहे हैं एलआर परिपथ। तो एलआर परिपथ किसे कहा जाता है, तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि वास्तव में एलआर परिपथ है क्या। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कुंडली और प्रतिरोध दोनों एक साथ संयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे परिपथ को हम एलआर कहते हैं, एलआर परिपथ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एलआर परिपथ किस निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमने मान लेते हैं कि कुंडली ली हुई है तथा उसके साथ एक प्रतिरोध कैपिटल आर जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, और इसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ और कुंजी की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ए सी व कुंजी के साथ संयोजित कर दिया गया है। जब इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर वी एल तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए। तो चलिए देखते हैं कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो V का जो मान होता है V इज इक्वल टू आई आर, जो हमारा फॉर्मूला है विभव का धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो V जो है L से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो V L इज इक्वल टू धारा I प्रवाहित हो रही है इसलिए I। किंतु जब हमको पहले से पता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगा हो तो उस समय जो प्रतिरोध है उसको प्रतिघात की श्रेणी में लिया जाता है या प्रतिघात कहा जाता है, और उसको हम कुंडली के लिए एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एक्स एल, जबकि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी आर इज इक्वल टू आई आर जो कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग है। तो चलिए बात करते हैं, अब ये बात हुई कि जो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो वी एल हो जाता है तथा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी आर हो जाता है। किंतु हमको क्या करना है कि दोनों संयुक्त रूप से यूज किए गए हैं, दोनों एक साथ प्रयुक्त किए गए हैं, तो उस समय परिणामी विभव क्या होगा। तो परिणामी विभव का एनालिसिस करने के लिए हमको फेजर आरेख का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से फेजर आरेख बना सकते हैं। ये वी आर, ये वी एल और ये वी सी। तो इस स्थिति में अगर हम ध्यान दें तो चूंकि कुंडली और प्रतिरोध है लगाया गया है, तो उस समय परिणामी विभवांतर इन दोनों के मध्य से कहीं न कहीं गति करता हुआ जाएगा, तो इनके बीच एक कोण बनाता हुआ फाई जा रहा है जो परिणामी विभवांतर के भीतर भी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि परिणामी विभवांतर कैपिटल वी हो, परिणामी विभवांतर अगर कैपिटल वी है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इससे किसी एक बिंदु से एक लंब खींचते हैं, ये हमने लंब खींचा हुआ है ए और बी। तो उस स्थिति में ओ से ए जो है वो वी आर के लिए और ए से बी जो है वो वी एल के लिए होगा, जबकि ओ से ए जो है वो वी की दिशा में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर धन ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान दें तो ओ ए जो है हमने बी लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बी का स्क्वायर कर देते हैं। ओ बी जो है हमने बी आर लिया हुआ है, तो बी आर का स्क्वायर प्लस ए बी जो है हमने बी एल लिया हुआ है, तो बी एल का स्क्वायर। अब इस स्थिति में ऊपर से हम मान रख देते हैं बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी आर का मान हमारे पास है आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी एल का जो मान है वो है आई एक्स एल का होल स्क्वायर। तो इस स्थिति में बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो उस स्थिति में अगर हम ध्यान दें, सबसे बड़ी बात है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली संधारित्र अथवा प्रतिरोध में से कम कोई दो लगे हों,
कम से कम कोई दो, मतलब तीनों भी हो सकता है। तो उस स्थिति में परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको एक नए नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को हम सदैव कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान दें कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, संधारित्र अथवा प्रतिरोध तीनों में से कम कोई दो लगा हो, तो उस स्थिति में परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको नाम दिया जाता है प्रतिबाधा। तो यहाँ पर अगर हम परिपथ में बात करें तो हमारे पास कुंडली और प्रतिरोध दोनों लगाए गए हैं, तो इस समय जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको प्रतिबाधा से प्रेजेंट करेंगे, प्रतिबाधा कहा जाता है, तथा उसे कैपिटल जेड से प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, यदि प्रतिबाधा कैपिटल जेड हो तो वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड, धारा गुणित प्रतिबाधा, तो वी इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा। तो यहां से आई जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आई स्क्वायर अगर कैंसिल होता है तो उस स्थिति में अगर हम ध्यान दें तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि एक्सएल बराबर हमारे पास होता है ओमेगा एल, तो इस स्थिति में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, या z इज इक्वल टू लिखा जा सकता है r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो होगा वो एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका एनालिसिस हो जाता है। प्रतिबाधा का जो सूत्र हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। साथ ही अगर हम देखें तो दोनों के मध्य में कलांतर फाइव प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस स्थिति में हम कलांतर का भी एनालिसिस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कलांतर का मान क्या निकलेगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कलांतर, तो कलांतर वास्तव में क्या होगा, इस चीज को अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो परिणामी विभवांतर के साथ जो कोण निर्मित करता है उसे हम एलआर परिपथ का कलांतर कह सकते हैं। तो उस स्थिति में हम ये बोलते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर हम फाई की बात करें तो त्रिभुज OAB में, OAB में अगर हम बात करें तो tan phi जो हो जाएगा वो क्या होगा, AB अपन OB, AB लंब और OB जो है वो आधार हो जाएगा। तो इस आधार पे हम उसका एनालिसिस करेंगे, चूंकि AB का जो मान है हमने लिया हुआ है, AB का मान हमने VL लिया हुआ है, जबकि OB का मान हमने लिया हुआ है VR, तो ये बोला जा सकता है tan phi is equal to VL upon VR, tan phi is equal to VL का मान है IXL upon IR, I कैंसिल हो जाएगा तो उस स्थिति में tan phi बराबर हो जाएगा XL upon R, या phi is equal to tan inverse XL upon R, या इसी को और सॉल्व कर सकते हैं phi is equal to, चूंकि XL is equal to होता है omega L, तो tan inverse omega L upon R, तो ये जो मान हो जाता है तो वो कलांतर का अभिष्ट व्यंजक होगा। इस प्रकार हम किसी भी प्रतिबाधित धारा परिपथ के लिए परिणामी जो प्रतिबाधा है तथा उसके मध्य उत्पन्न कलांतर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं।